हाय एवरीवन, तो आज मैं करने वाला हूँ अपनी वॉशिंग मशीन का साफ सफाई। पहले यहाँ पर एक पाइप है, इससे गंदा पानी निकाल लेंगे। ऐसे खोल के ये पाइप है, इसमें नॉब लगा हुआ है। अब इससे बहुत ही गंदा पानी निकलता है। अब इस पानी को निकाल लेंगे। देखिए इससे पानी निकल रहा है, गंदा पानी। ये पानी पहले निकाल लेंगे। देखिए ये पानी निकल रहा है। मैं महीने में एक बार ही साफ करता हूँ। पिछले महीने बहुत सारा पानी निकल रहा था, लेकिन अभी एक महीने के कम समय में ही कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। पहले ये पानी पूरा निकालने लेने दीजिए। देखते देख रहे इससे ये इतना सारा पानी निकल रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। देख सकते हैं अभी बंद हो गया है। अभी इसको ऐसे लगा के ऐसे रख दूंगा जैसे था। अब देख सकते हैं कितना गंदा पानी है। देखिए कितना गंदा पानी निकला है, पूरा ब्लैक कलर का पानी है ये। अभी ये नॉब खोल के देखिए इससे भी पानी निकल रहा है। तो उस पाइप से थोड़ा और भी पानी निकल रहा है, इसलिए इस नॉब से ही निकल गया, क्योंकि वो मैंने बंद कर दिया था। बहुत सारा गंदा पानी था। इससे एक सूखा कपड़ा लेके इस पानी इसको ऐसे साफ कर दूंगा। सूखा कपड़ा लेके इसे ऐसे साफ कर रहा हूँ। बस अब इसको ऐसे लगा देना है स्नॉब को। इसको जैसे जहां था वैसे रखूंगा और इसको कवर को बंद कर देता। अब इस वाले पोर्शन में इसमें तो यहां पर पानी नहीं, तो सफाई होता है तो यहाँ पर थोड़ा पानी रह जाता है। इसे ऐसे ही कपड़े से साफ कर दूंगा। वॉश के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी हो जाता है, तो इसे ऐसे साफ कर दूंगा। देख सकते यहाँ पर थोड़ा पानी लगा हुआ है। वॉश के बाद ऐसे साफ कर दूंगा, क्योंकि अब ये वाला पार्ट साफ हो चुका है। अभी इस वाले पाइप को बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें से पानी इसके अंदर जाता है। और फिर इस वाले इनलेट पाइप से इसे खोल लेता हूँ। अभी इस वाले ये नॉब खोल लेता हूँ। अब इतना सारा गंदगी होने से इसमें थोड़ा गंदगी हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी गंदगी इसमें नहीं है।
इसे थोड़ा पानी से धो लूंगा। अभी इस नॉब को फिल्टर इसे कहते हैं, इसे थोड़ा साफ पानी से धो लेता हूँ और फिर इसको ज़्यादा गंदगी नहीं हुआ इसमें, लेकिन नहीं तो पूरा गंदगी हो जाता है अगर खराब पानी आएगा टैंक में। यहाँ पे लगा देता हूँ। इसे निकालना भी बहुत आसान है, जो जैसा मैंने निकाला, थोड़ा इस नुकीला कुछ जैसे ऐसे निकालना होता है। मैं पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा नुकीला कुछ होते। अब इसे लगा देता हूँ। अब ये इनलेट पाइप वापस लगा देता हूँ। अब थोड़ा पानी ऑन कर देता। तो मेरा वॉशिंग मशीन का मंथली क्लीन अप हो गया है। थैंक यू।